गाइस एक और वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है ना। ऐसा बोलने वाले के साथ आज हमारा Q&A, जिसका इस गाइस इन दिस वीडियो हम कर रहे हैं Q&A विद सुराजित गेमिंग। एंड मीन्स ऐसे तो उनके कुछ खास सब्सक्राइबर है नहीं, लेकिन हम उनके बारे में थोड़ा और भी जान लेंगे कि अभी तक उनकी जर्नी एंड एक्सेट्रा। सो एंजॉय इट गाइस। बोलो तो सुनो, अब हम स्टार्ट करेंगे पहले कुछ क्वेश्चंस। ओके तो हाउ वाज योर जर्नी स्टार्ट, ये पहला क्वेश्चन है। जर्नी स्टार्ट एकदम क्या शॉर्ट में बताना पड़ेगा लॉन्ग में बताओ? नहीं वो आपकी मर्जी, आप शॉर्ट में बता चलेगा, कैसे भी चलेगा। ओके तो जर्नी मेरा स्टार्ट होता है इस साल का जनवरी के लास्ट महीने से, जो कि 28 होगा आई थिंक। तो लॉकडाउन चल रहा था, मैंने सोचा कि मेरा कोई अभी काम नहीं है, मैं ऐसे नॉर्मली एक पार्ट टाइम जॉब करता था। तो मैंने सोचा कि चलो जाके थोड़ा सा काम ही कर लेते कुछ मोबाइल्स में। तो मुझे अब मेरे दोस्तों ने और अंकल ने सजेस्ट किया कि तू तो गेम खेलता रहता है, सो एक बार यूट्यूब में ट्राई करके देख, अपना लग आजमा के देख कि गेम्स चैलेंज खोल के कैसा होता है। क्योंकि हम मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पर यूट्यूब के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और गेम्स का कोई यहाँ पर वैसे फैशन भी नहीं है। सब लोग ऐसे ही नॉर्मल वगैरह गेम्स वगैरह, मतलब आउटडोर जो गेम होता है वही खेलते हैं, मोबाइल में तो उतना गेम खेलता नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं। तो आई थिंक मैंने स्टार्ट किया उसके बाद, तो फर्स्ट महीना जो था फरवरी का 28 हो गया, पूरा फरवरी महीना ही उतना तो मेरा चला नहीं, बट फरवरी के बाद मई में स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ बोल सकते हो पूरा एकदम। ओके और अभी तक चल रहा है अभी। ओके नाइस। सो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिड योर फैमिली सपोर्ट यू? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मतलब अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सो कोई मुझे बाहर जाने के लिए भी फोर्स नहीं कर सकता, और कोई करना भी नहीं चाहिए मतलब इस समय में। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर पूरा एकदम लॉकडाउन अभी तक चल रहा है, तो फोर्स का कोई बात ही नहीं है, फोर्स का कोई बात ही नहीं है। सपोर्ट तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे फैमिली को अभी पता ही नहीं यूट्यूब है क्या, यूट्यूब चीज क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ मोबाइल में, तो कोई किसी को पता ही नहीं, सिर्फ मेरे अंकल को छोड़ के। तो वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, और फैमिली से तो नॉर्मली अभी चल रहा है, तो वो अभी पता ही नहीं यूट्यूब क्या मैं कर रहा हूँ, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, चल रहा है वो। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट योर फ्यूचर, तो ये मेरा दो फ्यूचर प्लानिंग है। एक तो अगर मेरा ऐसे ही चैलेंज ग्रो होता रहा तो मैं जर्नी ऐसे करता रहूंगा, मतलब गेम्स वगैरह खेलता रहूंगा और वीडियोस वगैरह लाता रहूंगा। बट अगर मेरा कोई मान लो कि दिक्कत हो रहा है, सो मैं यूट्यूब वहीं पर ही खत्म कर दूंगा, मैं यूट्यूब में कुछ डालूंगा भी नहीं, और जैसे मेरा पहले का टाइम लाइफ चल रहा था, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था वैसे ही, मेरा यही प्लान है। ओके मतलब तुझे सपोर्ट आया तो सही, वरना बंद। हाँ पूरा बंद कर दो, क्योंकि इसमें बोल सकते हो कि मेरा इलाका में मतलब इस जगह पे एरिया में कोई यूट्यूब का कोई उतना फैशन है भी नहीं, और कोई पूछता भी नहीं यूट्यूब को, यूट्यूब ऐसे ही गाने वगैरह सुनने के लिए होते हैं हमारे यहाँ पर, पूरे व्यूज देखने के लिए। तो और यूट्यूब बोल सकते हो कि यहाँ पर उतना कोई यूट्यूब को देखता भी नहीं, हम जनरेशन के जो भी लोग हैं, मतलब मान सकते हो पूरा गिन चुन के 30-40 बंदे होंगे हमारे इलाके में जो यूट्यूब वगैरह को जानते हैं, बट वहाँ पर सिर्फ गाना सुनने के लिए और वही थोड़ा बहुत वीडियोस देखने के लिए होता है, और बाकी कुछ है नहीं। तो मेरा अगर ऐसे ही चलता रहा, कंटिन्यू होता रहा और अच्छा प्रोग्रेस हुआ तो मैं करूंगा, नहीं तो यही पर एंड कर दूंगा। ओके एंड अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है फेस रिवील। ओके फेस रिवील मैं सच बोलूं तो मैं अभी कर सकता हूं, बट मेरे पास उतना अच्छा कोई कैमरा वगैरह सेटअप है नहीं, और मेरा मोबाइल का फ्रंट कैमरा पूरा खराब है बोल सकते हो, पूरा खराब है, क्योंकि ये मेरे से एक बार गलती से कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ महीने पहले जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब गिर गया था, गिर के इसका पूरा एकदम खराब हो गया, पूरा खराब हो गया, और मैंने इसको बहुत कोशिश के बाद रिपेयर कराया हूँ, और उतना पैसे से नहीं कर पाया कि पूरा हाँ सही कर पाए। मैंने उनको सिर्फ बोला था कि मेरा पीडीए वगैरह इसको सिर्फ ठीक कर दो, तो पीडीए वगैरह तो मेरा ठीक हो चुका है, बट कैमरा का इशू है,
तो मैं तो अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और उतना मेरे पास कोई सेटअप है नहीं, बोल सकते कि मेरे पास सिर्फ एक ही मोबाइल है जिसमें से मैं सभी कुछ करता हूँ। तो फेस रिकॉग्निशन मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, जैसे मेरा जर्नी बढ़ेगा और अगर बोल सकते हो कि पेमेंट वगैरह आ गए यूट्यूब से या कुछ भी से, तो पैसे का मेरे पास अगर अच्छा खासा हो गया तो मैं सोच रहा हूँ एक लैपटॉप लूँ और एक हैंड कैम लूंगा जिसमें से मैं शूट कर पाऊँ, और फेस की मतलब तो फेस की मतलब कोई ऐसे इशू नहीं है मेरा। ओके, सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट योर अर्निंग? अभी बोल सकते हो पूरा जीरो है, बिकॉज $100 होने के बाद ही हमें पेमेंट मिलता है, फर्स्ट पेमेंट जो है, बट मेरा अभी 100 तो छोड़ो, $20 तक भी नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया का जो कि ये है मतलब बोल सकते हो कि अर्निंग्स है इंडिया में, जो व्यूज आते हैं बहुत हाँ कम है, उससे उससे पैसा बहुत ज्यादा ही कम मिलता है, जो कि मेरे को अभी पता चल रहा है, पहले तो मैं बताता, तो इंडिया में बहुत ज्यादा कम अर्निंग होता है, इंडिया के बाहर कंट्री से जो भी मेरा बंदे वीडियोस देखते हैं उसमें से थोड़ा बहुत मिलता है, तो अभी बोल सकते हो कि $20 भी नहीं हुआ, एक साल तो लगेगा, एक साल तो लगेगा, ओके तो जीरो अर्निंग, तो जीरो अर्निंग। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फ्रेंड रिएक्शन व्हेन दे नो अबाउट योर यूट्यूब चैनल? मेरा वैसे तो एक ही फ्रेंड है, सच बोलूँ तो मेरा एक ही फ्रेंड है, और उसी ने भी मेरे को बोला था, उसने और मेरे अंकल ने दोनों ने सपोर्ट किया था, तभी मैं ओपन कर पाया, क्योंकि मेरे को यूट्यूब का कोई नॉलेज नहीं था और मोबाइल्स का भी मेरे को कोई नॉलेज नहीं, पहली बात तो मेरे को मोबाइल्स का भी कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इतना बड़ा मोबाइल जो कि 10,000 का आता है, मैंने 10,000 का लिया ही है, तो ये मेरे को अभी तक इसमें क्या क्या फीचर्स है मेरे को नहीं पता, तो आई डोंट नो कि कैसे काम करता है यूट्यूब का भी, अभी तक मैं सीख रहा हूँ, और मेरे अंकल का सब सिर्फ मैं उनसे पैसा मांगता हूँ कि मेरे को इंटरनेट के लिए मेरे को पैसा दीजिए, तो मेरे अंकल इंटरनेट के लिए पैसा देते हैं, मेरे पापा और मम्मी का उतना है नहीं कि उनसे मैं पैसे मांग पाऊँ, बहुत ही छोटे काम करते हैं, घर वगैरह का जो ग्रिल्स वगैरह है दरवाजे का वो सिर्फ बनाते हैं, तो उतना पैसा हमको नहीं मिल पाता, तो मैं अंकल से सिर्फ पैसा मांगता हूँ कि मेरा रिचार्ज करवा दीजिए, और बाकी जो भी यूट्यूब वगैरह का काम है वो मेरा दोस्त मेरे को सिखा रहा था, सो बोल सकते हो कि हाँ उसका और मेरा अंकल का सपोर्ट से मैं अभी अभी तक चल रहा हूँ उन दोनों के, तो बाकी तो मेरे पास कोई उतना फ्रेंड्स नहीं है, तो रिएक्शन का तो छोड़ ही दो। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपके बारे में। पहला क्वेश्चन है कि आपका पूरा नाम, फुल नेम? मेरा फुल नेम है जो कि टिपिकल बंगाली का होता है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो मेरा है सुरजीत, सुरजीत सादरा, ओके थोड़ा सा ऑड एंड लगेगा बट ओके यही। ट्वेंटी ओके एंड व्हाट इज योर एज? पूरा 20 हूँ ओके ओके एंड योर ड्रीम? वैसे तो अभी तक मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था, बिकॉज मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के बाद कॉलेज गया, वहाँ पे 2 साल तक मैं कॉलेज में करा, उसके बाद मेरा पैसे का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था, तो मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ा, बट मेरा पहले का ड्रीम था जब मैं कॉलेज में था, मैं एक मतलब कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो मैं बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा पढ़ता था, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ता था, तो मैंने सोचता था कि पहले बैंक में या कुछ में सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा, बट अभी मेरा ड्रीम है कि मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन सकूँ, कि एक बड़ा चैलेंज हो मेरा, यही ड्रीम है, बट अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है कि मैं अपने अंकल का उनका बिजनेस है, तो उनमें उनमें एक जॉब करूँ, कुछ वो सरकारी नहीं है बट उसमें जॉब करूँ प्राइवेट में, यही है। ओके एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड बोल सकते हो उतना कुछ खास नहीं है, ओके बिकॉज मेरे पापा का उतना कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं है, एक छोटा सा एक घर है, एकदम छोटा सा, यहाँ पर एक साथ मतलब एक ही रूम के अंदर मैं मेरे पापा मेरे मम्मी एक साथ ही रहते हैं, कोई अलग सा मेरा रूम नहीं है कि कहीं पर बैठ के मैं कुछ अलग सा यूट्यूब वगैरह कर सकूं या पढ़ाई वन कर एनिमी सकूं, रिमेनिंग तो उतना कुछ ओके खास नहीं है मेरा, एकदम नॉर्मल से भी बोल सकते हो नीचे का है, तो उतना कुछ खास नहीं लास्ट प्लेयर बैकग्राउंड स्टैंडिंग का। ओके एंड एनी ब्रदर सिस्टर? नहीं मैं सिंगल मतलब मैं अकेला हूँ, मेरे मम्मी पापा का एक ही है बेटा, ओके अच्छा ब्रदर लाडला सिस्टर
नहीं लाडला बेटा तो नहीं, बिकॉज मैं बहुत ही शैतान था छोटे उम्र में। के अभी हो तो नहीं, हो क्या पता नहीं, बट अभी उतना नहीं करता। बट मेरे बोल सकते हो बहना और ब्रदर सिस्टर है, बट वो मेरे खुद का नहीं, मतलब मेरे मम्मी पापा का मैं एक ही हूँ, और मेरे अंकल आंटी और मामा मामी का, मतलब उनका है बहुत सारे। सो बड़ा फैमिली है, मतलब ज्वाइंट फैमिली है। मेरे घर में जो कि एक पूरा मेरा घर एक ज्वाइंट फैमिली है, इसमें 25 मेंबर रहते हैं, 25 मेंबर, ठीक है। तो बड़ा घर है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा घर। पूरा घर में जितना भी लोग हैं उनका मिला के बहुत बड़ा घर है, पर सभी का पर्टिकुलर एक ही घर रूम है। ओके ओके वो समझ गए हम। एंड अब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपके सब्सक्राइबर से। ओके पहला क्वेश्चन है क्रेजी फ्रीक से भाई, प्लीज आरएल क्राफ्ट मोबाइल की सीरीज लाओ लाओ। ओके तो आरएल क्राफ्ट का बोल सकते हो कि सीरीज वो वहीं पर एंड हो गया है, क्योंकि वो पुराने वर्जन में काम करता था जो कि 1.14 का वर्जन था। नए वर्जन में वो काम नहीं करेगा, और बिकॉज मेरा नया वर्जन है और उसमें मैं चला भी नहीं सकता, इंपोर्ट भी नहीं होगा। तो क्रेजी कप और आरएल कप, मैं दोनों का बोल रहा हूँ, क्रेजी कप और आरएल कप दोनों ही नहीं चलेगा। तो अगर मैं फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरे पास एक 30 seconds left. पीसी में, अगर अर्निंग से मेरे यूट्यूब का अर्निंग से पीसी में ले पाऊँ, जुगाड़ कर One पाऊँ, enemy और remaining. वहां पे मैं जो पीसी का आरएल क्राफ्ट और क्रेजी क्राफ्ट है वो मैं बाद में लाऊंगा। अच्छा ओके, मींस आपका पीसी बिल्ड होने के बाद वो सब आप देखोगे, अभी कोई प्लानिंग हाँ, बिकॉज मेरे मोबाइल में तो पीसी का गेम्स तो चलेगा नहीं, और नए वर्जन में कोई पीसी मतलब अच्छा सा ऐसा कोई मोड नहीं मिला। मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ नहीं। बट नहीं मिला, तो बहुत प्रॉब्लम है। एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम सरकार की तरफ से, मेक डायमंड शॉप। वाह भाई इसमें मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उतना माइन मैं नहीं कर सकता, और डायमंड शॉप में अगर करूंगा तो हाँ खरीदूंगा क्या, मतलब सेल क्या करूंगा, डायमंड से क्या लूंगा। ओके डायमंड शॉप का नहीं, ये बहुत महंगा है, इसमें नहीं हो पाए। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल कुमार की तरफ से, मेक ओके तो पूछिए क्या है अनिल कुमार की तरफ से। टेक्सचर पैक का लिंक दे दो। स्ट्रक्चर पैक का लिंक आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा, बिकॉज मैं उसको यूट्यूब में नहीं दे सकता बहुत सारे रीजन से। तो डिस्कॉर्ड सर्वर में एक ऑप्शन मतलब चैलेंज होगा टेक्सचर पैक करके, वहां पर मेरा जो लिंक है वो मिल जाएगा। टेक्सचर पैक, सेडर पैक, सॉरी सेडर पैक। तो मैं एक ही सेडर यूज करता हूँ, मैं बोल भी दे रहा हूँ, वो है जेबरा सेडर। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जेबरा सेडर, आप गूगल में सर्च करोगे आपको मिल भी जाएगा। ओके गूगल में मतलब वो मिल जाएगा आराम से। हाँ, गूगल में सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ओके एंड एक सेकेंड जरा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है जो कि योगेंद्र सिंह की तरफ से। ब्रो अच्छा आप अपना हॉट बार इन्वेंट्री कैसे स्मॉल करते हो, प्लीज रिप्लाई। वो मैंने अपने थोड़े दिन पहले वीडियो में बोला था, एक सेटिंग्स में जाके एकदम नीचे जो क्लासिक और पॉकेट वाला मोड है उसके नीचे आपको GUI सेटिंग्स बोलते एक ऑप्शन मिलेगा। सो उसको एकदम -2 पे या -1 पे अगर कर दोगे तो आपका हॉटबार बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। ओके और अगला क्वेश्चन है योर ब्रो की तरफ से। ब्रो आई वांट टू बिकम अ यूट्यूबर एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक वीडियोस एंड प्लीज टोल्ड मी व्हिच इज द बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर एंड व्हिच इज द बेस्ट एडिटिंग ऐप। अगर आप पहले बात पे एडिटिंग का बोल रहे हो, पूछ रहे हो, तो मैं एक ही सजेस्ट करूंगा मोबाइल के लिए। अभी तक मैं अपना स्टार्टिंग से एक ही यूज कर रहा हूँ, वो है काइनमास्टर, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही ओपी है। तो मैं उसमें इतना बहुत अभी एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ बहुत सारे एडिटिंग का मैं ट्यूटोरियल खुद ही देख रहा हूँ कि अच्छे से एडिटिंग कर पाऊँ। और रिकॉर्डिंग के लिए अगर आपके पास एमआई का फोन है तो आप एमआई का स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर सकते हो, मैं वही यूज करता हूँ, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होता है। अगर आपके पास कोई और मोबाइल से और रिकॉर्डर नहीं है उसका सिस्टम रिकॉर्डर करके, तो आप जेडी रिकॉर्डर यूज करते हो, मतलब AZ रिकॉर्डर यूज कर सकते हो।
और ड्यू ओके रिकॉर्डर पहले, अगर ड्यू रिकॉर्डर पहले होता तो मैं बोलता, बट वो तो अभी बैन हो चुका है इंडिया में, तो ड्यू रिकॉर्डर नहीं, ओके सिर्फ एजेड रिकॉर्डर यूज करते हैं, बहुत अच्छे हैं। एंड अगला क्वेश्चन है शेडो रे गेमर की तरफ से। ब्रो आर यू बंगाली? आई एम आल्सो बंगाली ब्रो। हाँ, आई एम बंगाली, आई लिव इन कोलकाता। ओके तो अगला क्वेश्चन है स्वराज भुरगुटे की तरफ से, सॉरी अगर थोड़ा गलत प्रोनाउंस हुआ हो तो। एंड इनने इनने आपको सजेस्ट किया है मेक शाउट आउट रूम प्लीज। हाँ, मैं एक शाउट आउट रूम का मतलब प्लेस बाय कर रहा हूँ, वैसे मैंने बाय कर भी लिया है, वहां पे एक अच्छा सा पूरा अलग बनाऊंगा जो कि डार्क ऑफ सीन के जितने भी बंदे हैं उनसे थोड़ा अलग दिखेगा। सो मैं उसका भी आइडिया आइडिया सोच रहा हूँ कि कैसा बना सकता हूँ। डेकोरेट का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं खुद एक डेकोरेटर बंदा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा ड्राइंग्स वाइंग्स करता हूँ, तो डेकोरेट का मेरे को बहुत अच्छा आता है। बट बिल्ड्स में उतना अच्छा से कर नहीं पाता क्योंकि मैं बिल्डर्स नहीं हूँ, तो अच्छा एक बिल्डिंग मुझे ढूंढ रहा हूँ कि अच्छे एक कैटेगरी हो जाए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्रिएटिव वर्ल्ड में भी जाके बहुत सारे बना रहा हूँ, तो आई थिंक वो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा देखने के लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मोंचा की तरफ से। मोंचा वाई 3D स्किन कैसे बनाते हो प्लीज बताओ। वैसे तो मैंने अपना खुद का स्किन खुद नहीं बनाया, मैंने वो जो ओके वोल्ट 18 गेमिंग चैनल है उसने मेरे को बना के लास्ट दिया है। बट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, आपको नोवा स्किन वॉलपेपर करके एक वेबसाइट है, वहां पर बहुत सारे स्किन मिल जाएंगे, वहां पे एडिटिंग का ऑप्शन भी है, तो आप खुद से एडिटिंग कर सकते हो, बट मेरे को उतना झंझट नहीं चाहिए तो मैंने फोकट में कर ली। ओके तो हमारा अगला क्वेश्चन है डस्क गेमर की तरफ से। हाउ टू मेक इंट्रो? वैसे तो मेरे को खुद नहीं पता इंट्रो कैसे बनाया है, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने उसको बना के मुझे दिया है, क्योंकि अभी तक मेरे को मोबाइल का कुछ इतना आता पता नहीं है कैसे क्या होता है, सो उसने मेरे को सब कुछ बना के दिया है। इंट्रो ओके वही एबी प्लेस की तरफ से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है हाउ यू मेक थंबनेल। वैसे तो मेरे को खुद आता नहीं थंबनेल बनाना, बट मैं नोवा स्किन वॉलपेपर का जो एक बैकग्राउंड है मतलब वो लेता हूँ, जो कि मेरा कैरेक्टर होता है उसका, आपका खुद का कैरेक्टर वहाँ पे लगा के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो, और मैं यूज करता हूँ पीएस टच और पिक्सल लैब। तो पिक्सल लैब में मैं जो कि लिखावट वगैरह है, जैसे नंबर्स हो गए एपिसोड 10 एपिसोड 9 ऐसे, तो वो मैं करता हूँ, और करके पीएस टच बोल के एक, आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा बट आपको गूगल में मिल जाएगा, ऐसे सर्च कर लेना, तो वहां से मैं डाउनलोड करके उसको एक जो कि जिस जगह का आप स्क्रीन मतलब मान लो एक जगह हो गया, आप एक रूम बनाया उस रूम का एक थंबनेल बनाना चाहते हो, तो उसको स्क्रीनशॉट मार के मैं उसको वहां पे इंपोर्ट करके अपना कैरेक्टर एडिटिंग करके थोड़ा बहुत कर देता हूँ। तो बेस्ट एप्लीकेशन आप बोल सकते हो कि पीएस टच है, वहां से आप बहुत सारे अपने आइडियाज से बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हो, आपको यूट्यूब में भर भर के उसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कुमेटिक्स गेमिंग की तरफ से। और ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे जन की दिक्कत है जो कि है आई कैंट ज्वाइन योर डिस्कॉर्ड आई हैव रिएक्टेड टू द मैसेज। ओके, सो मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरे खुद का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि रिएक्ट करने पर भी बंदे का दिखा नहीं रहा, उसका पूरा फुल चैनल ओपन नहीं हो रहा। सो मैंने अपने जो एडमिन्स वगैरह है सर्वर का उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि इस सर्वर में थोड़ा बहुत दिक्कत है, क्योंकि बिकॉज ये कुछ अलग तरीके का सर्वर मैंने बनाया था, मेरे को पता नहीं था कि सर्वर वगैरह कैसे बनाते हैं, सभी ने बोला कि डिस्कॉर्ड बना लो, तो मैंने बना लिया। बट आप उसको कर सकते हो कि वहां पे अगर नहीं हो रहा तो एडमिन वगैरह को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एडमिन का वहां पे लिखा बट आ जाएगा कि नाम कौन है एडमिन, तो वहां पे हर समय वो ऑनलाइन रहते हैं बट दिखता नहीं, सो आप वहां पर मैसेज कर देना कि यहाँ पर रिएक्ट करने पर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ पूरा पूरा चैनल का एक्सेस, तो वो लोग आपको खुद ब खुद रोल प्रोवाइड कर देंगे, या अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो रिएक्ट करने के बाद आप थोड़ा टाइम 1 या 2 मिनट तक वेट कर लेना, ऑटोमेटिक वो चैनल ओपन हो जाएगा पूरा चैनल। और कुछ क्वेश्चन तो इतने थे, अब हम बढ़ते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन की तरफ से। ओके
जो कि है व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन टिकटॉक बैन। लॉल कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि मैं टिकटॉक नाम ही मैंने पहली बार सुना था जब बैन हुआ था। ओपी, किधर थे तुम इतने दिनों से? मैं जैसे काम कर रहा था, फोन का मेरे को बोला था, मैं कुछ सुना था पता नहीं है, मैं फोन से कॉल करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मैं यूज करता था व्हाट्सएप वगैरह। मैं जब कॉलेज नहीं जा पाता था तो मेरे टीचर्स जो कि हुए है कॉलेज का, वो मेरे को सेंड कर देते थे नोट्स वगैरह, तो इसलिए मैं फोन का यूज करता था। और टिकटॉक जिंदगी में अभी तक नहीं सुना, वैसे बोल सकते हो बैंड होने के बाद मैंने उसको देखा यूट्यूब में, तो भी और अब हम बात करते हैं कि आपका क्या रिएक्शन है अदर एप्स लाइक टिकटॉक, मतलब जो टिकटॉक की अगर तरह निकले और उनके ऊपर जो वीडियोस बन रहे हैं। वैसे तो मैं एक ही ऐप बहुत ज्यादा यूज करता हूँ जो कि है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे मैं अभी रील्स वगैरह थोड़ा बहुत देख लेता जब खाली टाइम मिलता है, क्योंकि कोई काम नहीं होता तो मैं रील्स वगैरह ऐसे घूमता रहता ओके, आपका रील्स पे क्या रिएक्शन है? हूँ। रील्स बहुत ही रट्टी है, बहुत ज्यादा ही क्यों रट्टी है, क्यों? बिकॉज वहां पे ढंग का कुछ नहीं मिलता। जैसे यूट्यूब वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में बोलता रहता है कि ओके टिकटॉक बहुत ही फालतू क्रिंजी ऐप है, तो बस बेसिकली मैं बोल नहीं सकते कि क्रिंजी ऐप है, बट हाँ क्रिंज कंटेंट ज्यादा है। बट आप बहुत ही अच्छा सा बहुत कुछ अलग बना सकते हो। मैंने एक बार कोशिश किया था ये रील्स में कि मैं अपना जो इस गेम प्ले है गेम प्ले को डालू, बट एक व्यूज आए थे तो मैंने पिछली बात के दिन से मैंने डाला ही नहीं। ओके, एंड अब हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे जो कि थोड़ा अजीब है। अगर तुमको कुछ मिला तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? एक मिनट, आपका वॉइस अटक गया, पूरा क्लियर आया नहीं। हाँ हेलो हेलो, अगर आपको पीसी मिला तो तो मैं क्या आप करूंगा? तो आपका सर्वर चेंज करोगे कि नहीं करोगे? मतलब आप जो अभी सर्वर की बात कर रहे हो वो बन गया तो आप उसको चेंज करोगे कि नहीं? वैसे तो मेरे एडमिन्स वगैरह जो है उन्होंने बोला है कि एक सर्वर वो बना रहे हैं, अच्छा खासा सर्वर बना रहे हैं, और जितना भी मेरे सब मतलब एक्टिव व्यूअर्स है और जो भी है उन सबको वो कन्वर्ट करके ट्रांसफर करके वहाँ पे लेके जाएंगे और पूरा सर्वर उसमें कन्वर्ट होगा। और पीसी का बोल सकते हो कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में पीसी का अभी तक छुआ भी नहीं है, ठीक है, पीसी का छुआ भी नहीं है, तो मुझे पीसी का कुछ भी पता नहीं, कैसे काम करता है पीसी, ओपन कैसे होता है यही पता नहीं। तो पीसी मिला तो मैं एक ही चीज करूंगा कि मैं अपने अंकल को बोल के, उनका लैपटॉप है, लैपटॉप वगैरह मैं बोल सकता हूँ कि लैपटॉप में यूज करता हूँ क्योंकि वहां पे मैं थोड़ा बहुत वीडियो देखता हूँ, अंकल का थोड़ा बहुत काम करता हूँ, उनका बिजनेस है तो मैं उनका थोड़ा बहुत काम करता हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि एक्सेल वगैरह जो कि बेसिक है, बोल सकते हो कि बच्चे लोग अभी करेंगे बट मैं कर रहा हूँ, तो एक्सेल वगैरह मैं थोड़ा सा कर पाता हूँ, बट वो लैपटॉप यार या पीसी है तो बहुत सारा चीज अलग अलग हो जाएगा, तो मेरे को अभी तो पता नहीं, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बट वो मैं कर लूंगा अगर मेरा अच्छा खासा जर्नी चल गया तो मैं वो सब कुछ सीख लूंगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको पीसी मिला तो आप पीसी के गेम पे शिफ्ट होंगे कि आप मोबाइल गेम्स ही खेलेंगे? जैसे कि आपको पता है ब्लैकमैन ने पीसी लिया है लेकिन वो पॉकेट एडिशन भी खेल रहे हैं फिलहाल, तो लाइक दैट आपका क्या रिएक्शन है? मैं एक ही चीज मतलब बोलूंगा कि मैं जब मेरा गेमिंग चैलेंज स्टार्ट किया था मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलूंगा, क्योंकि अगर मेरे चैनल में वो वीडियो अभी नहीं है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया पता नहीं कैसे, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, बट वो छोड़ो। तो मैं और भी बहुत सारे गेम जो कि मैं खेलना चाहता हूँ बट खेल नहीं पाता वो सारे ट्राई करूंगा, वो कि मोबाइल का हो पीसी का हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अच्छा खासा मेरा पीसी आ जाए तो मैं हर तरह का गेम खेलूंगा, हर तरह का। बट मान सकते हो पूरा एक गेमिंग चैलेंज है मेरा, तो मैं पर्टिकुलर एक गेम के ऊपर कंटिन्यू रहूंगा, पूरा मतलब जितना भी गेम्स वगैरह सब खेलूंगा। एंड आपका क्या, मतलब आपका डिसीजन क्या है डार्क ऑब्सिडियन सीजन 2 के बारे में? बहुत सारे लोग आपसे पूछ रहे थे कि मुझे ज्वाइन करना है ज्वाइन करना है, आप उसके वीडियो बना चुके लेकिन उससे बहुत सारे जन गुस्सा भी हुए कि भाई इतने सब्सक्राइबर कहाँ से लाए एंड एक्सेट्रा वो सब। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, सब्सक्राइबर्स का मैटर छोड़ दो, मैंने सब्सक्राइबर्स को मैंने तब भी बोला था उस वीडियो के अपलोड करने के नेक्स्ट दिन में कि सब्सक्राइबर्स मैंने इसीलिए बोला कि आप वीडियोस वगैरह अपलोड करो, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज से आप खुद वीडियो
भी देख लोगे कि वो सिर्फ 2 महीने पहले 4 महीने पहले ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं और वो भी अभी बोल रहे हैं कि डार्क ऑप्शन ज्वाइन करना है। डार्क ऑप्शन छोड़ दो, ऐसे तो बहुत सारे क्योंकि बॉन्ड वालों भी बोलते हैं कि हमारे सर्वर में ज्वाइन करना है, उनके सर्वर में, तो वो लोग नहीं लेंगे, वो एक्टिव जो गेमर्स हैं उनको लेंगे, अब चाहे यूट्यूबर्स वगैरह हो या ना हो, बिकॉज ये वाला हमारा सर्वर और उनका सर्वर दोनों का ही बोल रहा हूँ कि ये एक यूट्यूबर्स के लिए है जो कि हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो इसमें नॉर्मल जो व्यूअर्स है वो तो नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास कोई चैलेंज नहीं है। जिनके पास चैलेंज है और उनके पास अच्छा खासा कंटेंट है कि वो एंटरटेनमेंट कर सके, चाहे उनके पास सब्सक्राइबर हो या ना हो, नो मैटर, तो वो लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और डिसीजन मेरा खुद का नहीं है क्योंकि मैं उनको नहीं बोल सकता कि आप ज्वाइन कर लो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूरा डार्क ऑप्शन के जितना मेंबर्स है सबको एग्री होना चाहिए आप ज्वाइन हो गए कि नहीं, उसके लिए तभी आपको डार्क ऑप्शन में लिया जाएगा। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अगर आपको ऑप्शन मिला कि आप या तो बॉन्ड ज्वाइन, बॉन्ड एसएमपी सीजन 2 ज्वाइन, सीजन 3 अगर समझो सीजन 2 ज्वाइन करो या डार्क ऑब्सिडियन ज्वाइन करो, तो आप क्या ज्वाइन करेंगे? बेसिकली मैं बोलूंगा कि बॉन्ड वाले बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, मैं उतना नहीं कर पाऊंगा बिकॉज बॉन्ड वालों के पास अच्छा खासा डिवाइस है और उनके पास बहुत सारे बंदे के पास पीसी भी है, तो वो लोग बहुत अच्छे खासे गेम्स वगैरह खेल के उनका कर सकते हैं। और मैंने खुद पर्सनली जब मेरा चैलेंज स्टार्ट हुआ था, जब मेरा 1K सब्सक्राइबर हुआ भी नहीं था, तब मैंने एलिस रॉयड को बोला था कि सर मेरे को बॉन्ड ज्वाइन करवा लो, तो उन्होंने बोला कि आप अच्छे खासे प्रोग्रेस करो, आप ऐसे ही एक्टिव मतलब वीडियोस अपलोड करते रहो, आपको हम ले लेंगे। बट तभी मेरा 1K सब्सक्राइबर था और उनके बाद उसके बाद उनसे मेरा बात भी नहीं हुआ, कभी बात नहीं हुआ। बट अभी जब मेरा 5K हो चुके हैं, मैं उनसे हर दिन बात करता हूँ, हर दिन वो मेरे से पर्सनली बात करते हैं, मेरे सर्वर में भी वो है, तो उन्होंने अभी तक नहीं बोला कि मतलब बॉन्ड एसएमपी ज्वाइन करो, बट अगर बोले फिर भी मैं बोलूंगा कि नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ही अच्छे खासे लोग हैं और उनके पास हाई एंड डिवाइस और इसी वगैरह है, तो मैं उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, तो मैं बोलूंगा कि मैं डार्क ऑप्शन नहीं से सीजन 2 रहूंगा, ये बोल सकता हूँ। बट हाँ, ये एक मैटर है कि डार्क ऑप्शन बॉन्ड एसएमपी में अगर सीजन 2 जब स्टार्ट हुआ उससे पहले मेरे पास पैसे वैसे आ गए से जो भी हो, तो अगर मेरे पास अच्छे खासे डिवाइस, पीसी का जरूरत नहीं है, एक अच्छा मोबाइल भी आ गए जिसमें अच्छा खासा गेमिंग्स का कर सकते, तब मैं सोचूंगा कि हाँ मैं बॉन्ड ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं, अगर वो लोग मेरे को खुद बोलेंगे कि तू ज्वाइन करेगा कि नहीं, मैं उनसे खुद नहीं बोलूंगा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तब तक मैं डार्क ऑप्शन में ही रहना। डार्क ऑप्शन के सारे मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छे। तो और बताओ हालचाल क्या है अभी, और तो क्या बचा पूछने के लिए? पैसा मतलब मेन क्वेश्चन तो कवर हो चुके हैं। ओके, हालचाल आपके सब्सक्राइबर को कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इतने टाइम से, इतने कम टाइम में मेरे को इतना ज्यादा ग्रो करवाने के लिए आप सभी को मतलब दिल से थैंक यू। आप मेरे पता नहीं कैसे आप लोगों ने मेरे को इतना ज्यादा सब्सक्राइबर करवा दिया इतने कम टाइम में, आई डोंट नो, बहुत सारे गेमिंग चैनल जो कि आज मेरे से अच्छा कंटेंट बनाते हैं बट उनके पास उतना सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट जो भी हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही करते रहो, आपको और भी ज्यादा अच्छे खासे मैं कॉन्टेंट प्रोवाइड करता रहूंगा और हंसाता रहूंगा। वैसे तो मेरा मेन काम वही है क्योंकि मैं हंसाता रहता हूँ, मतलब हंसने की कोशिश करता हूँ, हंसने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे को माइनक्राफ्ट खेलना उतना आता नहीं है, सच बोलो तो मैं सिर्फ 5 महीने से या 6 महीने हो गया माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो बस अभी लास्ट एक जन है जिनका नाम है बनी पाए, एसजी बनी पाए, जो कि कह रहे हैं कि सुराजीत भाई मेरे को शाउट आउट दे दो। बनी पाए, अच्छा एक बात बताऊंगा कि बनी पाए बहुत ही औसम है वो बंदा, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता वो कैसे औसम है बट बहुत ही यूनिक है, तो शाउट आउट मैं दे सकता हूँ, वैसे मैं हर बंद मतलब हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं शाउट आउट दे पाऊँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कुछ और भी होना पड़ता है, मतलब एक वीडियो जो 16-15 मिनट का मैं बनाता हूँ उसको बनाने में मेरे को 3-4 घंटे लग जाते हैं, उसको पूरा कवर करने में मतलब 3-4 घंटे बहुत ज्यादा होता है, तो उसको एडिटिंग करके मतलब काट कूट के मेरे को लाने में 14-15 मिनट में, और उसके अंदर आप शाउट आउट देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है,
तो थोड़ा डिले होगा आउट ऑफ के लिए। ओके एंड आपका कुछ कहना है आपके हेटर्स को? मेरे हेटर्स वगैरह पता नहीं, मेरे हेटर्स वगैरह है कि नहीं, जो कि डिसलाइक करते हैं मेरे को, एक ही बात मेरे को लगता है कि उनका थोड़ा बहुत मैंने दिल दुखाए, बिकॉज वहाँ पर उतना अच्छा मैं कंटेंट नहीं दे पाया, इसलिए उनको उतना पसंद नहीं आया। और हेटर्स मैं बोलूँगा कि मेरा खुद का फ्रेंड नहीं है, तो हेटर्स तो बोलना ही नहीं चाहिए कि हेटर्स वगैरह मेरा है, बट अगर होंगे तो माफ कर देना भाई अगर मैंने आपका दिल दुखाया। सो आप मैसेज भी कर सकते हो, नीचे कमेंट भी कर देना कि किस वजह से आप खपा हो, मैं उसको मतलब अच्छा करने की कोशिश करूंगा अगर नेक्स्ट वीडियो से। और कुछ यही एंड आपको मतलब ऐसे बुरा नहीं लगता जब आपके वीडियोस पे कोई डिसलाइक करता है या कुछ गलत बात लिखता है आपके कमेंट सेक्शन में? तब ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ऐसा मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, तो मेरा मतलब सुन सुन के ये पक चुका हूँ, तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत गिर चुकी है अभी, आदत हो चुकी है, मतलब बचपन से सुनता रहा हूँ, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के लिए बहुत ज़्यादा होता रहता है। और स्कूल में भी मेरे को परेशान करते रहते थे कि तेरे पास पैसा नहीं है, तू क्या करता है, कर क्या करता है, तो सुन के मैं बोर हो चुका हूँ। सो अगर कोई बोलेगा भी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये बोले कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं, इसको प्रोग्रेस करो, तो मैं जरूर से उसके ऊपर और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। तो और उनको मैं दिल से शुक्रिया बोलूंगा कि वो मेरे को बोलते रहते हैं कि हाँ आपने यहाँ पर गलत किया है, आप इसको प्रोग्रेस करो, इसको सुधारो, तो उनको मैं और भी मतलब अच्छा खासा बोलूंगा। बाकी आपको क्या लगता है कि YouTube एक हार्ड वर्किंग सोशल मीडिया है कि नॉर्मली, मतलब आपका कितना टाइम जाएगा? बोल सकते हो यूट्यूब नॉर्मल जिंदगी से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मेरे को करने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बिकॉज मेरे पास उतना अच्छा खासा कोई सेटअप वेटअप नहीं है। सो मेरे को एक वीडियो बनाने में तो 14 मतलब एक 3-4 घंटे तो मान ही लो एक वीडियो बनाने में जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग करना पड़ता है। ऊपर से मैं घर में इतना शोर मचता है, मेरे घर में, दूसरों का बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का बात कर रहा हूँ, मेरे घर में 25 मेंबर्स है, इतना शोर मचता है, तो मेरे को उस जगह को सुन के बाद में जब रात के टाइम होता है 12 बजे के बाद, वहाँ पे मेरे को सुन के फिर से वॉइस ओवर करना पड़ता है, ताकि नॉइस वगैरह पीछे का जो भी आता है, जब अभी आ रहा है सो ये ना आए, तो मेरे को डबल मेहनत करना पड़ता है। और ऊपर से मेरे को स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं हर समय तो मतलब भूल जाता हूँ कि मैंने क्या बोला था, उस समय क्या करता हूँ, तो मैं उसको लिखना पड़ता है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत है। और ऊपर से एक बात, मेरा फोन चाइना का है, रेडमी का है, मेरे को बोलने में अभी कुछ लिए नहीं है, क्योंकि मैंने खरीद लिया है। सो ये इतना ज्यादा गर्म होता है, मैं इसको पकड़ भी नहीं पाता, इतना ज्यादा गर्म होता है गेम खेल के टाइम, मतलब ऑनलाइन गेम खेलने के टाइम इतना ज्यादा गर्म है, इसको पकड़ नहीं पाता। सो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है मुझे पर्सनली, मुझे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो पहले के टाइम में हर दिन, पहले के टाइम में हर दिन में वीडियो लाता था, मतलब आपको कुछ कहना है एंड में? तो और कुछ नहीं, बिकॉज मैंने सब कुछ बोल ही दिया है। यूट्यूबर जो भी है, जो देखते हैं और जिन्हें सब्सक्राइब किया है, तो उनको मैंने दिल से शुक्रिया भी बोल दिया है, और मेरे को और कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मेरे को पता नहीं मैं बोलूँ क्या, अभी बोलूँ क्या यही पता नहीं है। एंड अभी आपको मतलब ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था आई थिंक? इंटरव्यू बोल सकते हो, इंटरव्यू तो इंटरव्यू जो भी है, लेकिन फर्स्ट ही था। मतलब आपको क्वेश्चन का जवाब देते हुए ऐसे अजीब नहीं लग रहा फर्स्ट टाइम? नहीं, वैसे नॉर्मल सी है मेरे लिए तो। ओके तो अभी एक लास्ट बात हम आपसे कहना चाहेंगे, इन द वाइल्ड फायर मींस लाइफ, यू बी, बस हो गया अभी आप जा सकते हो, और तो क्या पूछ लिया। तो गाइस यही था आज का हमारा एक बड़ा सा वीडियो, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब ही करना। स्टे सेफ, सो बाय।